अब हम दक्षाई सिमेट्री पहुंच गए हैं। दो सिमेट्रीज हैं यहाँ पे। पहली सिमेट्री हम आए हैं जहाँ पे एंजल की कबर है, जिसके बारे में हमने चर्च में बात करी थी कि लोग वहाँ से कबर का पत्थर उठा के खाते हैं। अब वहाँ पे जाके पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि चर्च में मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये बात सुन के, क्योंकि बहुत सारी राइटअप्स में, न्यूज़पेपर्स में, ऑनलाइन मैंने ये पढ़ा था कि वो जो कबर है वहाँ पे से पत्थर खाते हैं वो लेडीज़ खाती हैं जिन्हें लड़का चाहिए होता है। तो आई वॉज हाईली डिसअपॉइंटेड, दो आई डू नॉट एवर इन्वॉल्व माई सेल्फ इन सच डिस्कशंस बिकॉज आई डोंट बिलीव इन इट। बट फिर भी मुझे बुरा लगा कि आज भी आप पत्थर खा रहे हैं और बेटा पैदा कर रहे हैं पत्थर खा के। बट वो जो चर्च वाली लेडी थी, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बोली कि मैं दुआ करती हूँ बच्चों के लिए और उस कब्र से पत्थर यहाँ पे लाने को कहती हूँ, इधर उसकी पूजा करती हूँ और फिर औरतें इसे खाती है। मैं दुआ करती हूँ, उसने कहा कि मैं दुआ करती हूँ एक हेल्दी बच्चे के लिए, लड़का हो या लड़की हो, पर एक हेल्दी बच्चा हो। तो पीपल हु स्टिल बिलीव इन इट, जो आज भी ये मान रहे हैं या आकर पत्थर खा रहे हैं ये सोच के, प्लीज़ बंद कीजिए। ये सिमेट्री का गेट है, देखिए बड़ी कमाल की बात है, सिमेट्री का गेट है ये, पर ना मुर्दों को गेट की जरूरत है ना कब्रों को, लेकिन सिमेट्री का गेट है। बड़ा फिलोसफिकल हो गया, लेकिन एक सोच है। सालों पहले ये बनी थी, सेंचुरीज पहले। अभी भी दक्षाई में उतने लोग नहीं रहते कि रात को चलते फिरते आपको डर ना लगे, ना ही इतनी लाइट्स है। आप सोचिए उस वक्त कितना सुनसान, कितना अकेला होगा ये सारी जगह। अब मैं ये सोच रही हूं कि सिमेट्री के गेट से जाया जाए या दूसरी तरफ से। मैंने ये डिसाइड किया कि हम सिमेट्री के गेट से नहीं जाएंगे। इसलिए नहीं जाएंगे, बड़े इज्जत से गेट बनाया है यार, खास मौकों पे ही काम आता होगा। आज वो खास मौका नहीं है, ना मेरे साथ ना मेरे आसपास कोई भी, इसलिए हम गेट से नहीं जाएंगे। इधर से आइए आप। वी जस्ट क्रॉस थ्रू। सिमेट्री पहुंच गए हम, वी वेंटर्ड अंदर हैं। अब मैं आपको, खैर मैंने तो गेट लिया नहीं और आपको बताया भी क्यों हम रिस्पेक्टेबल रास्ते से नहीं आए सिमेट्री में। ये गेट है, एंट्रेंस है सिमेट्री की, अभी मैं आपको आगे से दिखाती हूँ। पहले मैं आपको एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग पुराना सा पेड़ है, देखिए ये पेड़ होते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और अपनी जड़ों में, अपनी शाखाओं में रहने की जगह भी देते हैं। उदार दिल, बड़ा दिल। तो ये है रिस्पेक्टेबल रास्ता, जो ज़रूर सभी की ज़िंदगी में कभी ना कभी इस्तेमाल होता है। उस दिन हम भी करेंगे, लेकिन आज आपको सिर्फ दिखाऊंगी। स्ट्रक्चर्स उस वक्त के अभी तक है, इंटैक्ट है। मैं यहाँ पे ढूंढ रही हूँ वो वाली एंजल की ग्रेव। ये देखिए, ये
एक अजीब सी शांति है यहां पे। अजीब सी शांति है, हवा में ठंडक है पर यहां पे महसूस नहीं हो रही। कब्रिस्तान में है, अकेला लग नहीं रहा यहां पे। बहुत पुरानी कब्रें हैं यहां पे। ये है, डेट नजर नहीं आ रही है लेकिन ये एनी की है। कब्रिस्तान में जब आप अकेले नहीं होते हो ना, तो एक बहुत ही रूहानी रिश्ता महसूस होता है। तो ये वो ग्रेव है जिसके बारे में मैं कब से आपको बता रही हूं, मैरी रिबेका वेस्टन की ग्रेव। इनकी मृत्यु हुई थी 1909 10 दिसंबर को। यही वो ग्रेव है, कहते हैं कि डिलीवरी के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके पति ने इनकी याद में ऐसा स्टैचू बनवाया, ये उनकी कब्र बनवाई। कहा तो ये जाता है कि यहीं से कोई पत्थर लेके जाते हैं और ये मानते हैं कि खाएं तो एक हेल्दी बच्चा पैदा होगा, लेकिन इसे तो बंद किया हुआ है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कहाँ से इसको ले जाते होंगे। चर्च में भी सत्या जी हमें बता रही थी कि मैं कहती हूँ कि उधर से पत्थर लेके आए और यहाँ पे वो उसको पूजती हैं चर्च में और फिर उन लेडीज को देती हैं। बट दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, दो आई डू नॉट सी एनी डैमेज टू इट। मे बी हो सकता है कि कोई और स्टैचू भी हो बाहर जिसे लोग तोड़ तोड़ के ले जाते हैं, उसे भी हम ढूंढेंगे। सो दिस इज इट, आगे आपको दिखाते हैं कि इस समय मिलता है और कोई स्टैचू। या तो ऐसा हो चुका है कि अभी तक लोग पत्थर थोड़े थोड़े ले जाके उस स्टैचू को खत्म कर चुके हैं, या मुझे वो मिल नहीं रहा है। मेन आपको दिखा दिया जो अब बाढ़ है। बाढ़ मेरे ख्याल से इसीलिए है क्योंकि लोग उसे तोड़ते गए और किसी के पति ने जो बहुत खूबसूरत याद अपनी बीवी और अपने जो बच्चा नहीं हुआ उसकी याद में बनाई थी उसको डैमेज करने लगे थे। ये देखिए ग्रेवयार्ड है, बियर बॉटल्स पड़ी है यहाँ पे, कागज पड़े हैं यहाँ पे, इधर उधर चिप्स के पैकेट्स पड़े हैं। हिमाचल अदरवाइज नो प्लास्टिक जोन है, यहाँ पे प्लास्टिक नहीं, गंदगी नहीं। स्वच्छ भारत तो आपको क्या बताऊं कहाँ चल रहा है और कहाँ नहीं चल रहा है। कहाँ चल रहा है ये हमें अखबारों में पता चलता है, कहाँ नहीं चल रहा है वो हमें देख के पता चलता है। हर जगह गंदगी कूड़ा करकट हमें मिल जाता है, चाहे वो जगह हो जहां पे इंसान रहते हो या चाहे वो जगह हो जहां पे अब इंसान सिर्फ सोते हैं। ये कब्रिस्तान हो, कब्रिस्तान में भी ये गंदगी मिल रही है, तो सोचिए और खुद से पूछिएगा कैसे आ गई। दक्षाय एक डैम्प एरिया है, इसका पता हमें इससे चलता है कि हर एक जगह पे हमें मॉस नजर आ रही है। मॉस कभी भी सनी एरियाज में नहीं होती, उसको मॉइस्चर चाहिए और डैम्पनेस चाहिए। सो दक्षाय इज नॉट अ वेरी सनी प्लेस बट इट इज ब्यूटिफुल। दक्षाय एंड इट्स डार्कनेस, इट्स ब्यूटिफुल।
जब सेमेट्री में हम एंटर करते हैं गेट से, जो हमने नहीं किया, वहाँ पे चौकीदार्स हाउस है। अगर अंदर लाइट होती तो मैं आपको दिखा पाती कि कितने चिप्स के पैकेट, कितने आई लव यू वाले हार्ट, कितनी बियर बॉटल्स अंदर पड़ी हैं। कहने को बहुत सारी कहानियाँ हो जाती हैं, पर मुझे लगता है प्यार इश्क और मोहब्बत के लिए बस कुछ ऐसी जगहें बची हैं जो मॉन्यूमेंट्स हो जाते हैं, या फिर कुछ सेमेट्रीज हो जाती हैं जहाँ के पत्थर इतने खामोश हैं कि अपनी दर्द को बयान नहीं कर सकते कि हम पर मत लिखिए। तुम्हारे प्यार को तुम नहीं संभाल सके तो हम क्या संभालेंगे। तो आप लोगों से एक इल्तिजा करूंगी कि अपने प्यार को खुद संभालें, और खुद नहीं संभाल सकते हो तो किसी बेजुबान पत्थर को, किसी खूबसूरत मॉन्यूमेंट को गंदा ना करें। थैंक यू।